मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। दोस्ती दोस्ती लफ्ज पता है कितना बड़ा होता है, क्या मायने होते हैं। पूरे वक्त पे साथ खड़ा रहना पड़ता है। वो वही मुझे तुमसे एक बात करनी थी, पर ना दिल की बात दिल में ही ना रह जाए। मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने तो बस एक छोटा सा खेल खेला था, ये तो पिसाद पलटने आ गया है। अब क्या होगा माही? अब आओ मुझे, आ जा और लंगा आ जा बैठ। कैसा रहा आज का पहला दिन ड्यूटी का है? हर दिन एक जैसा ही रहता है। तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है, ठीक हो? हाँ अल्लाह का शुक्र बेहतर हूँ पहले से। असल ऐसा गरीबां दी जिहड़ी बीमारी है ना, वो भी ज्यादा दिन साथ नहीं रहती। वो भी कहती है अगर बिस्तर पे ऐसे पड़ा रहेगा तो कमाएगा कब, खाएगा कब। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? मेरा अब्बा था ना, वो बड़े शाहजी का बहुत खास ड्राइवर था, तो 15 साल पहले वो मर गया। बड़े शाहजी के सामने आके उसने सीने पे गोली खाई थी, सब जानते हैं। फिर उसके बाद फिर उसी की जा पे ना मुझे रख लिया था, तब से इधर। अम्मा है एक मेरी और एक बहन है शादीशुदा, वो गांव में होती है, तो जो कमाता हूँ वहीं भेज देता हूँ। बस अल्लाह का शुक्र है। और बीवी बच्चे? शादी नहीं की? नहीं शादी नहीं की। एक लड़की थी गांव में, सकीना नाम था, पता नहीं उसको मुझ में क्या पसंद था। मेरी अम्मा भी उसको अपनी नूह बनाना चाहती थी, बहू बनाना चाहती थी, पर बात बनी नहीं, किस्मत के खेल। तुम उसको पसंद नहीं करते थे? पसंद पसंद आ नहीं पता क्या होता है, बस वो जैसे होता है ना कि अंदर कहीं ना अटक गई थी। पर इस बात का पता तब चला जब वो चली गई कि वो
कितने बीचों बीच उतर गई थी। तो जब वो चली गई तुम उसके पीछे नहीं गए? गया था, फिर उसके दरवाजे तक भी पहुंच गया था। थोड़ी देर हो गई थी तो उसकी जन जा गई थी मेरे से पहले, बारात शादी वादी। उधर दूर से देखा था मैंने, रो रही थी पता नहीं मेरे लिए या पता नहीं घर वालों के लिए। उसके बाद कोई नहीं जच्ची। चल मेरी छोड़, अपनी सुना। तू कहाँ शहर की रोशनियां छोड़ के इधर मत्था फोड़ने आ गया? ये तेरी जगह नहीं है बहू, जा तू यहां से। वापसी के तो शायद सारे रास्ते मैंने बंद ही कर दिए। तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम लोग मुझे बाऊ क्यों बोलते हो? फराद नाम है मेरा। हाँ तो तू लगता बाऊ है, साफ सुथरा चमकता हुआ, और जिम्मे होने ना दफ्तर वाले बाऊ जो होते हैं वैसे। यहाँ ना गुलाम बनने के लिए ना तुझे भी बहुत वक्त लगेगा, और मैंने तेरे में ना कोई भी आदत नहीं देखी गुलाम बनने वाली। और यहाँ हवेली में रहने के लिए ना हम जैसा मुकम्मल गुलाम बनना पड़ता है। पर मेरी तो एक ख्वाहिश है, अब्बे की तरह ना मैं भी बड़े शाहजी या छोटे शाहजी के सामने आ जाऊं, गोली खोलूं। पता है क्या, सत पुश्तों तक याद रखते हैं अगर कोई अपने मालिक के आगे आके मर जाए, मरना तो है ही। तुसा मेरे को दसना है कि नहीं दोनों प्राण मिलके क्या खिचड़ी पका रहे हो? हाँ कसम ले ले अम्मा सहन, असल बात का तो मुझे भी इल्म नहीं है। ये आपका छोटा से ज्यादा कोई खिचड़ी पका रहा है, वो भी नमक के बगैर। आप फिक्र मत करें भाई जी, नमक मेरे चक करी देख उतारूंगा। तैमूर पुत, अब अपनी अम्मा सहन से भी बातें छुपाएगा? भाई जी दिस इज नॉट फेयर, मैंने आपसे कहा भी था एक दो दिन आप रुक जाएं, ये बात मैं अम्मा साईं को खुद बताऊंगा। इतनी सी बात नहीं संभली आपसे। इसमें सिकंदर पुत्र की कौन सी गलती है? माँ की नजर से पुत्र का कोई राज नहीं छुपता। मैं देख रही हूँ जब से तू आया ना लाहौर से, कुछ बेचैन बेचैन है, खैर तो है ना? हाँ हाँ सब खैर है, बस वो क्या बात है ना, मुझे ना एक लड़की पसंद आ गई है। तो चले हाँ, इसमें छुपाने वाली कौन सी गाल है? इस सत के थीनों कौन है, किधर रहती है, मैंने दस्ते से ही मैं सत समंदर पार से कुड़ी मंगके ले आऊंगी तेरे लिए। अम्मा सहन सात समंदर पार जाने की जरूरत नहीं है, बस यही भावलपुर तक का खर्चा है। वहाँ के एक बहुत बड़े जागीरदार है काजिम शाह, उनकी एक लौती बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सिकंदर पुत ते बड़ा उच्चा कराना है, जद्दी पुश्ती पीर है, बाबा सही हर साल फेरा लांदे सन शिकार ले। बस फिर तो देर नहीं करनी चाहिए, इसका फौरन रिश्ता डाल दें। अपने हसब नसब के लोग हैं तो फिर इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? देर तो नहीं करनी, उस कुड़ी के तो पता नहीं कितने रिश्ते होंगे। कल ही सदा पेट सन है, कैसी मिलन आना है। इसीलिए मना कर रही थी तुम्हें, उस जैसे पागल लड़के भी मिल जाते हैं रास्ते में, देखा ना कितना बड़ा मसला हो गया।
पता नहीं किस नियत से आया है वो यहाँ पर। मुझे पता था कि वो मेरे पीछे यहाँ तक चला आएगा, और भाभी अभी तो हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि वो मेरे ही पीछे यहाँ पर आया या उसका कोई और मकसद है। पागल मत बनो माही, और क्या मकसद हो सकता है? इतने बड़े शहर में उसे यही जगह मिली थी आने के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। रिदा से बात हुई तुम्हारी? उसे इस मसले के बारे में बताया? मैंने उसे फोन किया था लेकिन उसका फोन बंद था। फिर आंटी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो फारिस के साथ बाहर गई भी है, कम अज कम एक महीने बाद ही आएगी। इसका मतलब है कि रिदा को नहीं पता कि फरहाद यहाँ पर है। नहीं, वरना वही मुझे सबसे पहले फोन करके बताती। और अब बचे अंकल, अब मैं अंकल से तो ये बात शेयर करने से रही भाभी। ऐसी कौन सी बात है जो शेयर नहीं हो सकती? लाला, मेरे एग्जाम्स करीब है ना, तो कुछ एब्सेंस का मसला चल रहा था, तो वही टीचर के बारे में बात कर रहे थे। तो अपने वीसी से मेरी बात करवा दो भाई, किसकी मजाल जो तुम्हारे लिए हाजिरी का मसला बना है। अरे हजार बार बोला है कि ये तालीम वालीम के मसले को अब खत्म करो भाई, खाम खाम है छोटे मोटे लोगों के मुंह लगना पड़ता है। वैसे भी ये जो ज्यादा तालीम है ना, जिंदगी में सिर्फ सवाल पैदा करती है, और जवाब ढूंढने के लिए इंसान को सिर्फ दौलत और ताकत की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास पहले से ही काफी ज्यादा है, समझे? साहब हमारी बात सुन, हो जाएगा, परेशान नहीं हो। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों, जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना, कहेगा जमाना। फन पहन लेंगे उधर उनके हाथों पे मेहंदी सजेगी, इधर मेरे अरमां कफन पहन लेंगे उधर उनके हाथों पे मेहंदी सजेगी। अरे बाबू उधर क्यों खड़ा हुआ है? आजा इधर, आजा आजा। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी की दुल्हन बनेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, बहुत अच्छे हो।
शाजी। हाँ। अरे आज आपके चेहरे पर रौनक और लाली कुछ ज्यादा नहीं। बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, मुल्तान से बड़ी जागीरदारनी शाइस्ता बेगम ने शकुन भेजा है और हमारे यहाँ आने की इजाजत मांगी है। अच्छा, जम जम आए, जरूर आए, लेकिन उनके आमद की कोई वजह? शाहजी, लड़की वालों के यहाँ ऐसा पैगाम तब भेजा जाता है जब लड़के वाले रिश्ता मांगना चाहते हो। बड़े लोगों के बड़े रख रखाव हैं, मजादारी का तकाजा पूरा किया है उन्होंने। ऊंचे शमले वाले लोग हैं, वजेदार। लेकिन आप नाजिम शाह से भी बात कर लीजिएगा, बड़े भाई की रजामंदी ऐसे मामलात में जरूरी होती है। जी जी, नाजिम शाह से भी बात करूंगी, और अगर उसे कोई एतराज ना हुआ तो अगले जुमे को आने का कह दूंगी उन लोगों को। ठीक। माही, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? डर लग रहा था कि कहीं फिर से आमना सामना ना हो जाए उससे। लगता है भाई ने उसकी नूरे के साथ ड्यूटी लगा दी। हाँ, लेकिन यूं घर में छुपकर बैठना भी तो मसले का हल नहीं है ना। तो फिर आप मुझे बताएं क्या करूं मैं? करना क्या है? फकीरा के जरिए मैं उसे पैगाम भिजवाती हूँ कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल करे। अगर जान प्यारी ना तो यहाँ का रुख दोबारा ना करे, वरना तो बेमौत मारा जाएगा। लेकिन अगर फकीरा को किसी ने देख लिया उससे बात करते हुए? माही, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, वरना तो ये तलवार 24 घंटे हमारे सर पे लटकती रहेगी। आप ठीक कह रही हैं। कल पूरी रात मैं यही सोचती रही कि उसे यहाँ आते हुए जरा भी डर नहीं लगा। इतने पहरे देख कर भी वो खौफजदा नहीं हुआ। हैरत है मुझे। वो खौफजदा नहीं है, इस बात ने मुझे ज्यादा खौफजदा कर रखा है। कहीं कोई बहुत बड़ी हमाकत ना कर बैठे। जी जी अम्मा, सही मैं जानता हूँ उसे, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई है। सुना है बड़ा रोब और दबदबा है उसका अपने इलाके में, काफी जमीनें हैं उसकी, काफी बड़ी जागीर है। लेकिन क्या बात है, आप क्यों पूछ रही हैं? हमारी माही रानी को देखने के लिए आना चाहते हैं वो लोग। क्या जवाब दूं? अरे अम्मा सही, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर वहां से पैगाम आया है तो। हमारे अपने इलाके में तो सिक्का है ही है, सिकंदर के इलाके में भी हमारा असर रसूख और बढ़ जाएगा, तो नेक काम में देर किस बात की, पैगाम भेजे आप उन्हें। चलो ये बिल्कुल ठीक हो गया, शाहजी तो पहले ही राजी थे, अब मैं उन्हें आने की दावत भेज देती हूँ। अरे अम्मा सही, आप बिला झिझक उनको पैगाम भेजिए, उनका इस्तकबाल उनकी शायाने शान होगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं इंतजामात के लिए कह दूंगा, आप परेशान ना हो। चल अच्छा। माही, कैसी है मेरी माही रानी? तबीयत तो ठीक है ना, यूनिवर्सिटी नहीं गई? जी अम्मी जी, ठीक हूँ, बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा था। चलो अच्छा है, मुझे भी शाम तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा खुशखबरी सुनाने के लिए। कैसी खुशखबरी? मुल्तान से बड़े मखदूमों का पैगाम आया है, माही को देखने के लिए आना चाहते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? इतनी जल्दी क्या है आपको अम्मी जी? अरे छली, ऐसे रिश्तों के लिए लोग बरसों इंतजार करते हैं। खुश नसीबी है तेरी के रिश्ता खुद चल के दरवाजे तक आया है। लड़का बाहर से डिग्री लेकर आया है, जोड़ का है, और खानदान निहायत ऊंची शान वाला और आला मर्तबे वाला है। बड़े शाहजी और नाजिम शाह भी बहुत खुश हैं, बस अब अल्लाह करे सब ठीक से हो जाए। मुझे यकीन है इस लड़के को हमारी माही के बाहर जाके पढ़ने पर भी एतराज नहीं होगा। बड़ी नसीबों वाली है मेरी बच्ची, जैसा चाहा वैसा ही पाया।
पोत्र ये अम्मा जी दलावरा किधर है वो अम्मा जी सोया हुआ है हाला तबीयत वाल है ना उसकी जी जी पहले से काफी बेहतर है ठीक है उसके लिए तेल गरम करके लाई हूँ ना देखती हूँ जाके तू यहाँ किसके लिए आया ये तुम्हें उससे नहीं बताया जिसने तुम्हें यहाँ भेजा क्यों अपनी जान का आप भी दुश्मन बना हुआ है और मैं तुझे कह रही हूँ ना कि चुप पकार के ना वापस चला जा यहाँ से तुम्हें क्या लगता है इतनी दूर यहाँ वापस जाने के लिए आया हूँ मरना चाहते कुछ पता भी है वो तेरे घर वालों को ना तेरी कवर का ना निशान तक नहीं मिलेगा यहाँ पे रहम खान अपने आप पे अपनी जवानी पे फकीर मैंने रहम खान ना होता तो मैं अब तक क्या नहीं होता सही है मैंने जो गल तुझे समझानी थी ना वो आखिरी बार समझाने आई हूँ बार बार नहीं आऊंगी अगर किसी को पता चल गया ना कि तू यहां किस लिए आया है रात तो रात अपना बोलिया बिस्तरा यहां से पैक कर और निकलने की कर बस फकीरा भी यहां से निकल के गई है खैरियत ये यहां क्यों आई थी पता नहीं किसी और मुलाजिम के शुबे में यहां दस्तक दे बैठी शुबे में पर वो तो यहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ है छोटे शाहजी ने तुझे बुलाया तुझे उनके साथ जाना मासी बात सुन जरा मासी फकीरा को देखा है तूने हाँ वो पीछे क्वार्टरों की तरफ गई है बुला ला उसे नहीं रहने दे मैं आप ही देख लेती हूँ तू जा बड़ी सरकार बुला रही है तुझे काम कर इतनी मुश्किल से तो मौका मिला है उस हीरो को देखने का इसको खाना शाना डालता है कि नहीं ख्याल रखा कर इसका साईं के साथ साई की तरह रहना चलो जाओ हाँ बहू तैयार है आज छोटे शाहजी तुझे अपने साथ लेके जाएंगे शाहजी गड्डियां तैयार हैं ख्याल रखें चले हम आ रहे
अंधी है क्या? नजर कुछ नहीं आता? ये ऊंट की तरह मुंह उठाए हुए उधर कहाँ जा रही है? पता है ना तुझे? ए पता है ना कि वहां पे सारे ड्राइवर और छड़े रहते हैं, फिर तेरा क्या काम वहां जाने का? हाँ इस सब बोलो मासी, तुझे ही तो ढूंढने आ रही थी मैं। अच्छा मुझे ढूंढने जा रही थी? मैं नन्नी मुन्नी छोटी सी काकी हूँ ना, जिसे तू ढूंढने के लिए जा रही थी। कौन खोल के मेरी बात सुन ले, ये जो चूंडा है ना मेरा, ये मैंने धूप में सफेद नहीं किया। एंदा अगर उधर फटकी भी ना तो सबसे पहले तेरी टांगे तोड़ूंगी, फिर बाद में पूछूंगी कि उस तरफ क्या करने जा रही थी। अल्लाह तौबा मासी, कितना गुस्सा करती है तू। कसम है खुदा की, आइंदा अगर कहीं तू मर भी गई ना, पलट के नहीं पूछूंगी मैं। बस हो गया ड्रामा तेरा, चल अगे लग, अगे लग। फकीरा कहाँ रह गई थी, इतनी देर क्यों लगा दी? छोटी सरकार भाई, देखभाल के जाना था ना, बच बचा के गई हूँ। आपको तो पता नहीं रहेगा, उसकी तो नजरें इतनी तेज है कि बंदा पूछे कुछ ना, जहाँ पे वो मौजूद नहीं भी होता ना, वहाँ पे भी लगता है कि मुआ देख रहा है। तुम उससे मिली? कोई बात हुई तुम्हारी उससे? हाँ ना मिली हूँ, और उसको मैंने पैगाम भी दे दिया। मैंने कहा भी रात होने से पहले पहले अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से उठा और यहाँ से चलता बन, वरना तेरी कब्र का यहाँ पे निशान तक नहीं मिलेगा। मगर मगर क्या? रब सच्चे की कसमें मुझे नहीं लगता कि वो लड़का यहाँ से जाए वापस। वो लगता है कि उसने तो मरने की पक्की ठान ली है। इसीलिए तो तुम्हें भेजा था कि उसे समझा कर आओ, उसके भले के लिए हम उसे यहाँ से जाने का कह रहे हैं। उसे हवेली के माहौल को देखकर भी डर नहीं लगा, लगता है नाजिम लाला के गुस्से को जानता नहीं। जब हाथ पांव बांध कर काल कोठरी में बंद कर देंगे ना, तब पता चलेगा उसे। माई बीबी, मुझे तो लगता है कि शायद वो अपने हाथ पैर ना बंधवा के ही आया है। उसे कोई मौत शौत से डर नहीं लगता, उसे किसी चीज का कोई खौफ ही नहीं है, दीवाना लगता है मुझे वो। और दीवानों को किसी चीज का डर कैसा? देखती हूँ लगता है शहर में रह के तूने वक्त जाया नहीं किया लड़के। गाड़ी पर काफी हाथ साफ है तेरा, नहीं क्यों नूरे? लेकिन शहर में कभी गाड़ी चलाई नहीं मैंने। हाँ बता, शहर से दूर जाते थे कार रेस पे, वहीं पे शौक पूरा किया मैंने। तूने ठीक कहा था नूरे, लड़का अपने काम का। जी सर। कोई इनाम शनाम दो इसे। जी सर जी। चले रख बाबू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया तुझे? और छोटे शाहजी ने खुशी से कहा है देने को, रख ले। आज से खास ड्राइवरों में से उनके पास, और नौकरी पक्की हो गई तेरी। बंदा बड़ी मुश्किल से पसंद आता है उन्हें, ले रख। किस्मत वाला है तू, मुझे कह। रिश्ता तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी बाहर जाके पढ़ने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है उन लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। क्या हुआ माही, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भाभी मैं अभी मजीद किसी नई टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
वैसे ही फरहाद ने मुझे इतनी शदीद परेशानी में डाला हुआ है कि अब किसी और उलझन के बारे में सोच सोच के मुझे वहशत हो रही है। काश वो जल्द ही लौट जाए लाहौर, ताकि मैं कुछ एक्साइटमेंट तो महसूस कर सकूँ इस रिश्ते के लिए। हाँ, टेंशन वाली बात तो है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। फकीरा उसे अच्छा खासा धमका कर आई है, बस दुआ करो कि अब वो वापस चला जाए। हमें जल्द से जल्द उसे यहाँ से भगाना होगा, वरना मैं पूरा वक्त टेंशन में रहूँगी। और फिर लड़के वालों पर पता नहीं क्या इम्प्रेशन पड़े, अम्मी को शक हो सकता है। तो तुम्हारी नज़र में इस मसले का क्या हल है? हल तो एक ही है। मुझे किसी ना किसी तरह उससे खुद मिलकर उसे यहाँ से वापस जाने के लिए मजबूर करना होगा। जानती हो क्या कह रहे? कैसे मिलोगी तुम उससे, वो भी इतने पहरों में? फरहाद बहुत जिद्दी लड़का है, वो मर जाएगा मगर मुझसे बिना मिले यहाँ से नहीं जाएगा। तो बहरहाल हमें ये रिस्क उठाना ही होगा। कैसे माही, कैसे मिलोगी तुम अकेली उससे? एक तरीका है, मैं फकीरा से कहूंगी कि कल ड्राइवर के बजाय अगर वो मुझे यूनिवर्सिटी छोड़े तो रास्ते में मैं उससे बात कर सकती हूँ। नहीं नहीं माही, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो? और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास भाभी, हम फकीरा को एतमाद में ले लेंगे। मुझे मरवाओगी तुम आई? नहीं, तुम अपने आप को क्यों उलझाती रहती हो? भाई चला गया है ना, तुम्हारे रोने से वापस आ जाएगा क्या? कुछ बातें अपने इख्तियार में नहीं होती, कुछ अब से गया लगता है, वक्त जैसे रुक सा गया। होता था हम हमेशा लड़ते रहते थे। ठीक कह रही, भाई के जाते घर उदास हो गया। अम्मी को तो जानती हो तुम, छुप छुप के पता नहीं कितनी दफा रो चुकी है। सजाद भाई बिल्कुल खामोश हो गए और अब्बा कुछ जाहिर नहीं करते, लेकिन मैं जानती हूँ खुश नहीं है वो भी। तो रोका क्यों नहीं उसे, ना जाने देते उसे, उसे मजबूर करते कि यही कोई काम कर ले। पता नहीं जब से वो गया मेरा दिल बहुत डर है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मैंने सुना है पहले दिन ही मारका मार दिया तूने, और तगड़ा इनाम भी मिला शाहजी की तरफ से। भाई फिर तो दावत होनी चाहिए सारों की, नहीं क्या कहता है? दुआ करो मार का सर भी कर लूंगा, अलबत्ता हाँ इनाम बहुत बड़ा मिला, छोटे शाहजी ने काफी सारे पैसे दिए नूरे के हाथ। मुझे लगा था तू दो चार दिन में शार्ट हो जाएगा यहां से, पर तूने तो जड़ें ही पक्की कर ली। हवा तो लगवा कितने पैसे मिले हैं? वो इतने सारे पैसे मिले हैं, तूने गिने भी नहीं? कमाल है भाई, कभी आदत ही नहीं डाली गिनने की। तुम रख लो, गिन भी लो। ये तेरा हक है भाई, तू ही रख। अब मैं तो ऐसी मखौल कर रहा था तेरा दिल देखने के लिए।
है जीदार बंदा तू। तो भी एक काम करो, इनमें से याद है तुम रख लो, उनमें से बाकी के बंदों को खाना भी खिला दो मेरी तरफ से। तो ये जो बाकी के पैसे हैं, ये अगर हो सके तो एक नंबर दूंगा, उस पे घर पे ट्रांसफर कर दो। ये ठीक है, ऐसा करता हूँ, ये सारे पैसे ना मुझे तू नंबर देगा, तेरे घर भेज देता हूँ। और जहां तक बात है ना खाना खिलाने की, वो मैं अपनी तरफ से खिला दूंगा तेरी नौकरी की खुशी में। तेरी तरह ना मुझे भी अब पैसों की ना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात कहूं, जब सवेर छोटे शाहजी ने तुझे बुलाया ना, कसमें मैंने दिल में दुआ की तू टेस्ट में ना फेल हो जाए। क्यों? वो इसलिए कि बहू, ये जगह जो है ना, ये तेरे काबिल नहीं है। या मेरे जैसे पता नहीं कितने ही गुलाम है जो मट्टी हो गए। मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ की खाक में खाक हो जाए, इसलिए ये पैसे रख और नंबर के साथ मुझे देना, मैं भेज दूंगा। और कोई भी काम हो ना बता दिया कर, हाँ? चल चिल कर। चल भाई छोटे आ जा, जनाने से बुलावा आया तेरे लिए, ड्राइवर की जरूरत है। नूरा कहाँ है चाची? नूरा भी वही होगा, मुझे फकीरा ने पैगाम दिया कि मैं कोई ड्राइवर बुला लूं, इसलिए तुझे बुला रही हूँ। तेरी ताबेदारी पसंद आई है मुझे, अब देख इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ, नाक ना कटवाना आगे। चल हट, झलना ना हो बेटे, आ जा। ये चाबी ले गाड़ी की और छेती से गाड़ी निकाल, तेरे पास वक्त काई ना। मैं लेके जाऊं? भई नूरा ना छोटे साईं नाजम जी को लेके गया है तो तुझे ही जाना पड़ेगा ना। छेती कर छेती, जल्दी बन। पर्दा कर लो। पर्दा कर लो। भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ तो मेरे उस दिन दरवाजा बंद करने पे नाराज हो गई थी मुझसे, और शायद इसीलिए मुझे बगैर बताए वापस आ गए। देखो अब मैं आ गया हूँ ना, प्लीज अब गुस्सा थूक दो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? किस लिए आए हो? हैरत है, मैं सोचा था मैं यहाँ पर आऊंगा तो शायद तुम मुझसे माजरत करोगी, कि यूं बगैर बताए तुम मुझे आ गए, उल्टा तुम मुझे डांट रही हो। माजरत कैसी, मुझे कोई सारी उम्र तो वहाँ नहीं रहना था, लौटना ही था, सो मैं आ गई। सवाल तो ये पैदा होता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुमसे मिलने के लिए। तुम इस तरह बगैर मुझे बताए वापस लौट आई, मैं बहुत परेशान हो गया और दिल की बात तो दिल में ही रह गई। तुम होश में तो हो? तुम
इतनी दूर मुझसे अपने दिल की बात कहने के लिए आए? हाँ। किस रिश्ते से? दोस्ती के रिश्ते से माई। तुमने दोस्त कहा था ना मुझे, और मैंने दिल से तुम्हें दोस्त माना था, तो क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त से? रात गई बात गई फरहाद, मैंने उस शादी के हंगामे में हंसकर तुमसे दो बातें क्या कर ली? तुम तो मेरे गले ही पड़ गए हो। तन झूम झूम।